नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे लौकी से होने वाले फायदों के बारे में। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने लौकी का सेवन ना किया हो। अक्सर इस सब्जी का प्रयोग कोफ्ते, खीर, मिठाई या दही आदि में मिलाकर किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लौकी का प्रयोग हमें किन रोगों से बचाता है? आइए आज इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आचार्य बालकृष्ण जी के अनुसार सुबह सुबह लौकी के जूस का नियमित सेवन करने से एसिडिटी में राहत मिलती है। लौकी का जूस निकालने के लिए सबसे पहले लौकी को गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें, फिर छिलके सहित उसका रस निकाल लें। सुबह सुबह लौकी का रस नियमित रूप से सेवन करें, इससे अम्लपित्त, गैस, अपच और पेट की अन्य बीमारियों में आराम मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें, लौकी को छिलके सहित तभी प्रयोग करें जब छिलका साफ हो। अगर चेहरे पर मुहासे हैं या फिर चेहरे पर डलनेस की समस्या है तो लौकी का इस्तेमाल आपकी त्वचा में फिर से निखार ला सकता है। इसके लिए नियमित रूप से आपको इसका सेवन करना होगा। इसके लिए करना बस इतना है कि लौकी के रस में सेव का रस मिला लें, फिर चेहरे पर इसका प्रयोग करें। ऐसा करने से चेहरे पर निखार आएगा और त्वचा की रंगत भी बढ़ेगी। इसके अलावा चेहरे पर चमक लाने के लिए नियमित रूप से सुबह शाम लौकी के एक ग्लास रस का रोजाना सेवन करें। हृदय संबंधी परेशानी में भी लौकी बेहद ही लाभकारी है। हृदय संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए लौकी के रस में तुलसी और पुदीने के पत्तियां मिलाएं, फिर रोजाना इसका सेवन करें। जिन लोगों को कफ की समस्या है वे भी अगर लौकी का प्रयोग करें तो काफी लाभ मिलेगा। लौकी के रस में काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर मिला लें, फिर इसका सेवन करें तो लाभ होगा। जो लोग मूत्र जनित समस्या से परेशान हैं, उन लोगों के लिए भी लौकी बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए करना बस इतना है कि नियमित रूप से सुबह शाम लौकी के रस का सेवन करें। इससे पेशाब संबंधी परेशानियों में काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा पेशाब की समस्या में लौकी की जड़ को पानी में उबालकर सेवन करने से भी काफी लाभ मिलता है। जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है या जिन्हें एनीमिया की समस्या है, उनको करना बस इतना है कि व्हीट ग्रास का रस निकाल लें, फिर उसमें गिलोय और लौकी का रस मिला लें, नियमित इसका सेवन करें, काफी लाभ मिलेगा। महिलाओं को गर्भ के दौरान बार बार उबकाई आती है या फिर उल्टी होती है, ऐसे में लौकी का सेवन करने से काफी लाभ मिलता है। लौकी के जूस के अलावा लौकी का प्रयोग सब्जी, रायता और खीर आदि के रूप में भी किया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। जिनको स्किन संबंधी समस्या है उनके लिए लौकी का प्रयोग काफी लाभकारी है। इसके लिए लौकी की कोमल पत्तियों को तोड़कर अच्छी तरह से धोने के बाद इन्हें पीस लें, फिर इसे विकृत त्वचा पर लगाएं। ऐसा करने से त्वचा संबंधी समस्या ठीक हो जाएगी। पथरी की समस्या में भी लौकी का सेवन बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ध्यान रहे, कड़वी लौकी का सेवन भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। बेमौसम और दवा द्वारा बड़ी की गई लौकी का सेवन किसी भी रूप में ना करें। साथ ही लौकी की सब्जी में मसालों का भी प्रयोग कम करें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।